बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, घर में हो, घर के बाहर हो, दोस्तों के साथ हो, जहां मर्जी हो, एक और दिन, एक और ईद का समय पे आपके साथ मोमिन साकिब हाजिर है। एक दफा फिर ईद मुबारक। दो दिन ईद के गुजर गए, अब तो बहुत से घरों में अब्बू जी ने कह दिया किसी रिश्तेदार का फोन नहीं चुकना, जिन्ना खर्चा हो गया ना ईदी दे दे, जिदे पांच छह बच्चे ने घर आ जाते ने, साढ़ा ही कोनू 1,000 रुपया लगता है, सानू उन्होंने अपना पांच बच्चे 5,000 देना पैंदा। अब्बू जी ने कह दिया भाई किसी रिश्तेदार का फोन नहीं उठाना, घर कोई आ जाए तो कहो अब्बू है ही नहीं। और जानी खर्चा ही इतना हो गया ना, 3 महीने का खर्चा 3 दिन ही हो गया, ऐ भी गल ठीक नहीं। ठीक है ईद है, खुशी का मौका, जेबा तो नहीं खालियां करनिया ना। मतलब एक तो महंगाई ने आवाम को इतनी टेंशन दी हुई है, ऊपर से गर्मी यार। एक तो ये जो लोग कहते हैं ना आई डोंट लाइक विंटर्स, मुझे सर्दियां नहीं पसंद, आई वेट फॉर समर्स, यू नो आई लाइक बींग सन किस्ड, यू नो, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे कैप्शन लगानी होती है। सन किस्ड ओ जब भी पा लेती है ओ सूरज ने आगे, जिन्नी गर्मी हो गई है यार, मतलब ये क्या है यार, मतलब टू मच गर्मी हो गई है यार। लेकिन जो आज मैं गेस्ट लेकर आ रहा हूं ना, आपके अगले 2 घंटे आप सारी जिंदगी याद करेंगे। आप कहेंगे कि ये शो खत्म क्यों हुआ, ये शो रुक क्यों गया, ये शो चलता क्यों नहीं रहा। सॉन्ग राइटर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, इस इंसान ने सिर्फ पाकिस्तानियों के दिलों में जगह नहीं बनाई, पूरी दुनिया में इनके फैंस है, पूरी दुनिया में इन्होंने लोगों को, ही इज ब्लेस्ड पीपल विद हिज म्यूजिक, विद हिज टैलेंट। आपकी भरपूर तालियों में, आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में हमारे साथ ईद मनाने आ रहे हैं शफकत अमानत अली खान। ईद मुबारक आपको भी, बहुत ईद मुबारक। जो दिल से आप ईदी देना चाहें दे करते हैं भी कुछ कर लेंगे इस पे, पक्की बात है, बैठे पे ये इतनी मोहब्बत, ये लोगों का शोर, वलवला, जज्बा, ईदी तो शफकत भाई आपने दी नहीं, यही बता दें कि आपकी ईद कैसी गुजरी। ईद जैसे सबकी गुजरती है, आप भी काम कर रहे हैं आज यहाँ पे और मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ और ज्यादातर काम पे फोकस होता है। ईद वाले दिन भी काम, ईद वाले दिन भी काम, बिकॉज हम लोग काम पे फोकस करते हैं तो फैमिली जो है वो ईद कर पाती है। हाय हाय हाय, क्या हम चाहेंगे कि लोग आपको और क्लियरली देख सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शफकत अमानत अली जी। बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरी तरफ से नहीं, मेरे जो मेरी टीम है मुल्क में चाहने वाले हैं, अली खान साहब कौन है यार? अली खान जिस नाम में लग जाए, वो नाम, वो सिंगर, शफकत अमानत अली खान, अमानत अली खान, राहत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान, ये अली खान साहब का क्या चक्कर है इस पे आप बताएं? जिनके नाम पे अली खान लग जाए वो माशाल्लाह। फिर आपने, आपके सवाल में ही जवाब है, अली जहाँ पे लगेगा वो अपना आप तो दिखाएगा। इनका जवाब जवाब नहीं, एक किताब है, ये है शफकत अमानत अली खान। शफकत भाई, आपने कहा कि म्यूजिक वॉज योर ट्रू कॉलिंग इन लाइफ, 4 साल के आप थे जब आपका ये सिलसिला शुरू हुआ, कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट बचपन में नहीं आया जब आपने सोचा शायद आप कोई और प्रोफेशन परसू करें? नहीं जी, हमारे फैमिली में देयर इज अ वे वेयर दे ल्योर द किड इन अ वे कि वो कुछ और बनना नहीं चाहता, बिकॉज देर सो मैनी आइडल्स विद इन द फैमिली, मतलब हमारे फोर फादर्स एंड देन उस्ताद अमानत अली खान साहब, उस्ताद फतेह अली खान साहब, असद भाई, हामिद चचा, यू नो, सो देर वॉज अ बिग क्यू एंड वी डिडंट वांट टू बी एनीथिंग एल्स बट म्यूजिशियंस। अच्छा, तो हॉर्स अप्रोच में बिलीव करते हैं आपकी फैमिली में कि भाई ना राइट ना लेफ्ट, इफ इट्स म्यूजिक देन इट्स म्यूजिक। इट्स नॉट डिक्टेटरशिप एग्जैक्टली, बट यू नो when you see that everybody in the family is respected, everybody in the family is known for their music and they have respective sets of you know followers, and people want to, somebody wants to sing like Ustad Amanat Ali Khan sahab, somebody wants to sing like Ustad Fateh Ali Khan sahab, so Asad bhai, Hamid chacha, we were there to just look at them and be like them. Maine suna CSS ka bhi irada rakhte the life mein, that I'll keep reserved. शफकत अमानत अली खान ईद वाले दिन नाका लाया हुआ है।
ईद वाले दिन भी काम हो रहा है, नाका लाया हो रहा है, सारे नु पेपर चेक कराओ, गाना सुनाओ। हाय राधा, वैसे सीएसएस का आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। नहीं जी, माय फैमिली वांटेड मी बिकॉज़ जो उन्होंने बार सेट किया हुआ था, आई हैड टू बी अबव दैट बार, एंड समहाउ दिस वर द अदर दे थॉट दैट आई एम नॉट गुड इनफ टू रीच दैट बार, सो दैट मेड देम थिंक कि इसको कुछ तो करवाना है, तो दे वर आइडियाज़ इन द फैमिली कि इसको कस्टम्स में लगवा देते हैं, इसको पुलिस में करवा देते हैं, इसको किसी और प्रोफेशन में डाल देते हैं बिकॉज ही इज़ नॉट गुड इनफ। बट आई वॉज काइंड ऑफ यू नो आई वोंट से कि मैं बिल्कुल रिबेलियस था या कुछ ऐसा था, बट आई डिडंट वॉन्ट टू गिव अप ऑन माई स्ट्रगल जो मैं कर रहा था म्यूज़िक के लिए। सो उसका बेहतरीन हल मुझे ये लगा कि आई मूव्ड टू कराची वेयर दे न्यू कि अच्छा वहाँ पर कुछ कर रहा है, ही इज़ नॉट बॉदरिंग अस, वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ हिज ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, एनी थिंग। सो अब अपनी अपने आप को अपने खुद स्कॉलरशिप दे दी। हाँ, सो देन वेंट टू कराची, स्टेड देयर, वर्कड इन डिफरेंट स्टूडियोज, स्ट्रगल्ड अ लॉट, लाइक यू गाइस कांट इवन इमेजिन व्हाट आई हैड टू गो थ्रू। दे थॉट यू नॉट गुड इनफ, बट यू प्रूव्ड यू आर द बेस्ट। वेल आई वुड, थैंक यू वेरी मच, बट आई वुड स्टिल से दैट आई एम द वर्स्ट सिंगर इन माय फैमिली, आई एम द वर्स्ट। अगर आप पुलिस में चले जाते तो पहले ऑफिसर होते जो लाठी से नहीं सुरों से बंदे को मारते। नहीं बट ऑनेस्टली हमारे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है। मैं ये पूछना चाहूंगा, मैंने आपसे पूछा ईद कैसी गुजरी, लेकिन आपके लिए ईद है क्या? व्हाट इज ईद फॉर यू? ये ईद क्या है, हम हमारी यूथ को बताएं। जब तक आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स अ फेस्टिवल। इमोशनल कर दिया आप, क्या बात, लाइफ लेसन दे रहे हैं, लाइफ कोच शफकत अमानत अली खान। आपको तो हमेशा सिंगर लगे थे, आप आए, दिल को करार आया, लोग आए, पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है, लेकिन ईद का मजा दुबाला तब होता है जब जितने ज्यादा लोग हों। तो मैं चाहूंगा हम एक और गेस्ट को बुलाएं शो पर, उनको भी अपनी ईद का हिस्सेदार बनाएं। ये एक एक्टर है, एक मॉडल है, पाकिस्तान में इन्होंने काम किया, सरहद पार इन्होंने काम किया, इधर भी नाम कमाया, उधर भी नाम कमाया। आप लोगों की भरपूर तालियों में आपकी मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा अब स्टेज पे सारा लॉरेंस। मुबारक, ईद मुबारक पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को तो फिर ईद मुबारक कह दें आप। ईद मुबारक पाकिस्तान, थोड़ा कुछ प्लीज सारा जी, ये आप आए ना, प्लीज हॉट सीट पे बैठे। सारा जी, सबसे पहले तो आई एम सो हैप्पी, लगता ही नहीं कि मैं आपको पहली दफा मिल रहा हूँ। नहीं, आप हम पहली दफा मिल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पहली दफा ही मिलते हैं, लेकिन ये आखिरी दफा नहीं, हर ईद शो आपके साथ ही कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो मैंने सबसे पहले शफकत भाई से कहा, दिल से जो ईदी देना चाहे दे दे। कितनी ईदी दे रही हैं आप मुझे आज? आपको? हाँ, हम तो ईदी लेने नहीं आए थे। एक बंदा मुझे इस मुल्क में नहीं मिला जो आके मुझे कह दे यार जानी ए तेरी ईदी, ए ते हर कोई उठा बह जाता है। कुवैत से भी आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान से भी है, ईद वहाँ कैसी मनाई जाती है और यहाँ कैसी मनाई जाती है, इस पे थोड़ा सा बताएं। अच्छा, तुम छोटे थे ना, तो क्या होता है कुवैत में आपके आसपास अगर पाकिस्तानी फैमिलीज हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं तो उनके साथ आप बड़े वार्म, आपको नहीं फील होता कि वो आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, यू नो जो एक बॉन्ड होता है वो बहुत रियल मैंने देखा है। यहाँ पे कभी कभी मुझे लगता है रिश्तेदारों से भी लोग थोड़ा कतराते हैं। हाँ, कभी कभी कतरा जाते हैं, तो द वॉर्म्थ आई हैव फील बिकॉज जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं आपको अपने मुल्क की कमी, उसका कल्चर, वो सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पर जब हम यहाँ होते हैं तो क्योंकि हम हैं ही पाकिस्तान में, सो वी डोंट मिस एनीथिंग। जो चीज़ आपके पास है उसको आप उस तरह वैल्यू नहीं करते, क्या ख्याल है? That's another angle लो। नहीं, क्या आज कह दें इस शो पे सब कह दें? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है, पाकिस्तान हैज लॉट्स ऑफ टैलेंट और हमें करनी चाहिए बहुत सारी वैल्यू। आज जहाँ पे पाकिस्तान है, मुझे लगता है हर इंडिविजुअली हर इंसान की जिम्मेदारी है टू प्ले देयर रोल। सियासत में कदम रखने का इरादा रखती हैं? नहीं, अभी नहीं, पता नहीं। अच्छा, कुछ पता नहीं, हो सकता है क्या? इलेक्शन पता नहीं, मुझे नहीं पता। आप दुबई में आजकल रह रही हैं?
मैं लाहौर में रह रही हूँ। लाहौर से इलेक्शन किस इलाके से लड़ेंगी? डिफेंस से डीएचए पीपी 242 मिनिस्टर ऑफ नेशनल असेंबली। आपका स्लोगन क्या होगा अगर आप इलेक्शन लड़े? आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग इलेक्शंस लड़ना, पॉलिटिक्स में आना, मुल्क को बेहतर करना। तो अगर आपने इलेक्शन लड़े तो आपके मैनिफेस्टो की टॉप तीन चीजें क्या होंगी? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो लगता है कि कंट्री को क्लीन होना चाहिए, सफाई। आई थिंक मेन थिंग पूरा डिफेंस ना आ रहा होगा दिन में चार दफा। नहीं नहीं, क्योंकि हैं हमारे इदारे और सब हैं, लेकिन वो पता नहीं अपना रोल तो प्ले करते हुए मुझे नहीं नजर आते। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस। नंबर टू, मत बात करो ना बिजली के बारे में। बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा, लाइट नहीं जाएगी डिफेंस में। सब पर्सन सोलर लगा रहे हैं, इससे बड़ा क्या हेडविक हो सकता है सोलर। और तीसरा, अब मुझे जो लगने लगा है, मुझे लगा है एग्रीकल्चर खत्म हो रहा है, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। 70% किसानों की एसोसिएशन की नई हेड सारा किसान के लिए आवाज उठाएंगी। एक्चुअली 70% इफ वी विल फोकस ना, तो पाकिस्तान कैन फ्लरिश, अगर आप एग्रीकल्चर को ही फोकस करते हैं। आई फील दिस, एम आई राइट? नहीं, इस पे आपसे मैं अलग शो करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा ये बात आज हो गया, आज नहीं, ये बात इतनी मुश्किल बात है, ये बड़ी डिटेल में इस पे बात हो सकती है। तो ये है ईद का समा, जहाँ शफकत भाई मजे मजे के गाने गाएंगे और होंगी मजे मजे की बातें। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम वापस आएंगे बहुत जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद। आई लव यू जी। वेलकम बैक टू द शो, आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो। लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल, जिस तरह के आप देख सकते हैं शफकत भाई हमारे साथ है। हर बार कहीं भी जाएं, दोस्तों से मिलें, किसी महफिल में जाएं, ऐसा होता होगा शफकत भाई ये वाला गाना बड़ा अच्छा लग रहा है, गा दें ये वाला अच्छा लग रहा है, अनॉय नहीं होते कभी? मोस्टली होता हूँ, बट मैं नॉर्मली ऐसी गेट टुगेदर्स में जाते नहीं जहाँ पे मैं लोगों को जानता नहीं हूँ। तो जहाँ पे मैं जानता हूँ वहाँ पे फिर वो लोगों को पता होता है, सुन चुकी है वो सुन चुके हैं, फिर भी वो यू नो फिर भी कभी ना कभी एक कह ही देते हैं। उस्ताद अमानत अली खान साहब, बिग शूज टू फिल, तो ये कितना प्रेशर होता है जब यू हैव यू नो आपको एक प्रेशर, ऑफकोर्स इतना बड़ा नाम आपके वालिद साहब का, फिर लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि, और आप इंडिविजुअली अपने आप से भी बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यार मैंने उनके नाम को आगे बढ़ाना है, तो ये कितना प्रेशर होता है जब जिस घराने की लेगेसी को हम फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं उसी घराने ने हमें ये सिखाया हुआ है कि व्हेन यू हैव द माइक एंड यू आर ऑन द स्टेज देन यू आर द किंग। हर बात में एक मैसेज है, और यही मैं यूथ से कह रहा था कि इस शो में आपने सीखना है तो कॉन्फिडेंस इज की, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप वो चीजें भी कर लोगे जो आपको लगता था आप नहीं कर सकते, तो और यही इन्होंने बोला कि जब ये स्टेज पे होते हैं देन ही नोज ही इज द किंग एंड ही इज द किंग। अरशद वारसी, हिमेश रेशमिया, रणदीप, सबसे ज्यादा कौन है फनी ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन? रणदीप इज वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद, वो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हेल्प भी करता है एज एन एक्टर। कई दफ़ा होते हैं ना लोग नहीं इतने हेल्पफुल होते, बट रणदीप बहुत हेल्पफुल, और रणदीप के साथ मेरी केमिस्ट्री आई थिंक ऑन स्क्रीन आई जस्ट लव्ड इट बहुत। yes. कभी मिले नहीं so कभी be, हाँ वो एक नहीं नहीं लोगों को बहुत अच्छा लगा, कई लोगों ने कहा कि हमें आपको दोबारा देखना है क्या मर्डर फोर बना दो। इरादा है मर्डर 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 हो गया, अभी मैं कुछ और करूंगी, मर्डर हो गया, मर्डर ही करती हाँ सब मर्डर, मैं मर गई, शौकत अली, अजीब अजीब चीजें करती रहती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ मलका एनकाउंटर, अब देखो मेरे नाम, अब क्या प्लान है अभी मुझे सोचना पड़ रहा है क्या करूँ। अब तो बताया आपने सियासत एग्रीकल्चर, अच्छा फ्रेश ये नया अभी आ गया, फ्रेश वेजिटेबल्स के बारे में आप सोच रही हैं? बहुत सीरियस हूँ वेजिटेबल्स को लेके आजकल, फ्रेश वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट खाने इनके लिए पैक करवा के बोरी भेज दिए करते हैं। सारा जी, हॉलीवुड में आपका फेवरेट एक्टर कौन है और किसके साथ काम करना चाहेंगी अगर चांस मिले आगे इन द फ्यूचर? टॉम क्रूज बहुत एक्शन करते हैं वो, मैं इसीलिए मैं एक्शन करने के मूड में हैवी हूं, लड़ाई को टाइम मैं बस एक्शन मैंने सीखा अभी मार्शल आर्ट। क्या सीखा? मार्शल आर्ट मैंने किया ना इशरत मेड इन चाइना, उस कैसा एक्सपीरियंस रहा मार्शल आर्ट्स का? मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं सीखा लेकिन एक खास बॉडी लैंग्वेज होती है, लाइक 1 month 2 months का एक, मेरी को लड़ाई वगैरह हो तो मैं केक इज वेरी गुड बेबी गुड केक, आप आ जाएंगी सपोर्ट पे? मैं फोन करना, मैं सारा फोन करना, नहीं नहीं फुल
ओके भाई डन है हुन कोई यार ये फिर से क्यों आ रही है यार बैकग्राउंड में आवाज यार हेलो मैन हाउ आर यू ब्रो आई एम गुड हाउ आर यू ओह यू नो या आई एम योयो बेला सिंह इधर की किरण आयो पाइन इधर में लग रहा है मैं तो असलम करता जावा दुआ रास्ता है मैं इधर से गुजर के जाता हूँ दुआ सलाम हो गई हाँ नहीं अभी नहीं हुई हाँ। अभी सिर्फ सलाम हुई है दुआ होनी है या इस मोमेंट को फुल मोमेंट करते सर अस्सलाम वालेकुम सर असल बात मैं आपको बता दूं मैं आपका शागिर्द होने के लिए आया हूं सर बड़े काम किए थे कोई काम नहीं चलिया सर नहीं चलना फिर शागिर्द कर लो खान साहब मैनू रैप सिखा दियो रैप 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 सर देखो ना चाहत फतेह अली वेख के ना मेरा हौसला बुलंद होया दुनिया के उत्ते ऐसे ऐसे बंदे भी हिट हो गए ने और मैं चाहत फतेह अली का बड़ा बड़ा फैन हाँ जी साढ़े खानदान से बड़ा आसान है खान साहब मेरे नाना जी ने फालज होया हिल नहीं सी सकते व्हील चेयर से बैठे सन कल उन्होंने उठ के आप टीवी बंद किया बंदा मरिया पिया हो सिर 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 तक लोग ने कही जाना कैसे मर गए कैसे मर गए ब्रदर कैसे मर गए ब्रदर अरे ये ऐसे मर गए एक्टिंग सीखनी है हाँ एक्टिंग सीखनी एक्टिंग भी सीखनी बहुत बड़ी एक्टर है वो एक्ट्रेस है वो इंडिया में भी काम किया उन्होंने आपने इंडिया में काम किया हाँ बस कर ही लिया कौन सा काम किया करीब चले जाओ डर क्यों रहे हो सिखा दीजिए अनायत कर दीजिए आप बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह बहुत बहुत टैलेंटेड मैं फैन हूँ आपकी आप मेरी फैन है मोमन पोस्टिंग छोड़ दे हर बंदा मेरा ही फैन है असी खुद तुम्हारे फैन है यार वो आप मेरा फैन निकले हैं दिल में आता है सबरमा लिखूं दिल में आता है सब अरमा लिखूं अब अरमा लिखूं लिखने बैठूं तो सोचती हूं क्या लिखूं मंसूब करूं हर सोच तुझसे तुझे अपना सारा जहां लिखूं नहीं लिखा जहां लिखने वाले ने मैं अपना नाम वहां लिखूं आए तेरी जात में ऐसी खो जाऊं तेरी सोचों का उनवा लिखूं अब तक जो गुजरे तेरे बिन उसे वक्त का मैं जया लिखूं तू मेरा है सिर्फ मेरा ये कैसे मेरी जान लिखा अज पहली बारी साडा भरा एक बारी शौक से चला गया अज साडा भरा सदमे चला गया तैनु जिला अस्पताल ले जाओ मोमन तेरे शो का चेक नहीं चाहिए मेरे लिए इतना ही काफी है लेकिन देखे आप आपका आपके लिए था शायद देखें आपके लिए बोल दिया मोमन सर बेटा को दुकान खोल मोटरसाइकिल किराए दे दिया कर की फायदा तुम्हें ऐसे सोने कपड़े पहन दा की फायदा छे घंटे वाल बनाने दा की फायदा इन करके रगड़ाई करा के फिशल कराने दा इस शो वासे छे महीने तो जिम कीता अब तो साढ़े अलग कुछ भी नहीं चुके आ ते फिर भी मोबाइल सानू समाना ते चुके आए करके भाई यार खान साहब प्लीज 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 मुझे कुछ सिखा दीजिए हमारे लेजेंड के लिए ढेर सारी तालियां जिन्होंने आप लोगों को आज नहीं सदियों से एंटरटेन किया है लेकिन मैं चाहूंगा ये भी इंजॉय करें हमारे साथ शफकत भाई इस तरह का म्यूजिक इस तरह के गाने ना चाहते हुए भी आपको किसी और दुनिया में ले जाते हैं जहां से वापस आना कभी मुश्किल हो जाता है लेकिन मैं चाहूंगा कि आप छोटी सी ब्रेक पर जाएं लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं क्योंकि बहुत जल्द हमने वापस आना है शफकत भाई कहीं नहीं जा रहे इधर ही है मैं तो कहीं नहीं जाना तुसी भी नहीं जाना जल्दी वापस आ जाओ विल बी राइट बैक आई लव यू Welcome back, ladies and gentlemen. I hope is good, but I know you're enjoying the show. और आपकी ईद अच्छी गुजर रही थी हमारे शो के बगैर भी अच्छी गुजर रही थी हमारे शो के साथ और भी अच्छी गुजर रही है पूछना चाहूंगा हमारे दोस्त से हमारे गेस्ट से हमारे मुल्क के लेजेंड इतनी कलेबोरेशन आपने की हैं आपकी सबसे फेवरेट कलेबोरेशन कौन सी है सो फार एक जो कलेबोरेशन आ रही है वो इट्स अबाउट टू बी रिलीज्ड अच्छा जी एंड दिस सुन ले अबाउट टू बी रिलीज्ड या एंड इट्स मैं I'm a huge fan of आबिदा प्रवीण जी तालियां जी आबिदा प्रवीण
तो बहुत बड़ी फिर कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगी। ये हमारे शो के थ्रू ब्रेक हो रही है न्यूज़। ले जी हमारे शो के थ्रू लाइव आपको बताएं कि शफकत अमानत अली और आपदा परवीन बेदम शाह वारसी जो हमारे पुराने बहुत शायर हैं उनका कलाम है और आपदा जी ने इसे कंपोज किया हुआ है और उनके बेटे जो सारंग हैं उन्होंने इसको अरेंज किया है। कब तक एक्सपेक्टेड है सर? The files been sent to the label. फाइलें लेबल को चली गई हैं। जी हाँ, फाइलें लेबल को चली गई हैं। आगे सर? And hopefully they will plan. उसके teasers बन रहे हैं। Teasers बन रहे हैं। फाइलें लेबल को चली गई हैं। Breaking news दे रहे हैं आपको, सर अब इसके बाद। And as soon as the teasers are on air, they will announce the date. ASAP, as soon as possible, teasers jab on air aayenge, date announce hogi. Ji haan, gaur se suniye, live breaking news. Sabse badi collaboration 2023 ki, Aapda Parveen, Shafkat Amanat Ali, files label ko chali gayi hai, teaser online hone laga hai, tayyar ho jao. Sir, nahi nahi. Itni badi breaking news, hamare show ke through aapne diya, to isi breaking news par main jaunga ek aur guest ko bhi, show pe bulaun. मॉडल हैं, पाकिस्तान को इन्होंने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है इन कोलंबिया, तो शो पर बुलाना चाहेंगे, हमारे साथ ईद मनाएं, हमें बताएं इनकी ईद कैसी गुजरी, आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत में, इकरा हमजा। वालेकुम अस्सलाम। इकरा जी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। इकरा जी अपने स्टाइल में आप जरा ईद मुबारक विश कर दें, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। ईद मुबारक टू एवरीवन, खुश रहें और खुशियां बिखेरें और शफकत अमानत अली के गाने सुनते रहें और खुश रहें और थोड़ा सा मोमिन का शो भी देखते रहें। इनका थोड़ा मतलब बिल्कुल मेरा शो ही देखते रहें, ठीक है कि नहीं? आपने मुझे बताया कि यू आर पाकिस्तान's टॉलेस्ट मॉडल। Yes, alhamdulillah. So, tell me more about that experience. I mean, do you feel different or? Yeah, obviously blessed, alhamdulillah. Lekin sometimes ye hota hai ki I feel like I can't hide myself. Ki agar mujhe kahin chupna hai, I'm like sorry, main to itni prominent hu ki har jagah nazar aa jati hu. Easily kahin pe bhi. Even like my most what I can say appreciate thing is ke if I'm tall and good looking as well, alhamdulillah. Mashallah. So. मेरे हिसाब से तो सभी गुड लुकिंग है, एक सब्जेक्टिव सी चीज है ब्यूटी। इस दुनिया में सभी गुड लुकिंग है, लेकिन आप भी माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग है। थैंक यू आपने अप्रिशिएट किया। और यस, रिसेंटली मैंने कोलंबिया में फैशन वीक किया है, उसका एक्सपीरियंस बताएं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आपने कोलंबिया एज अ शो स्टॉपर। अच्छा, एज अ शो स्टॉपर आई वाज देयर फॉर रिजवान बेग रिसेंटली, आई थिंक लास्ट वीक। So they are so welcoming, alhamdulillah, they are so welcoming, like itna pyar, itni mohabbat. They're so good. Eid kaisi guzri? Eid meri mashallah bahut achi guzri hai aur ye shaadi ke baad meri dusri Eid hai. Aur oh, shaadi ke baad pehli Eid hai, shaadi ki dusri Eid hai, dusri Eid hai, dusri taaliyan. Bahut excited hai bhai. Ladkon ne nahi bajayi taaliyan. It's okay. Aur acha ha, एक चीज़ और बताऊंगी, माई हस्बैंड हाइट इज 5'9" एंड आई एम 6'1", तो मुझे उस चीज़ से भी कुछ एक और सोशल टैबू इन्होंने ब्रेक किया, जहाँ पे हम कहते हैं कि जी लड़के को हमेशा लड़की से लंबा होना चाहिए, तो देखिए इन्होंने एक और सोशल नॉर्म को ब्रेक किया, जहाँ इनके हस्बैंड 5'9" है, ये 6'2" है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हस्बैंड के लिए भी तालियां। प्यार में सब जायज है। शादी क्या चीज है? शादी बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, कर लें जिन्होंने नहीं की। आपके हस्बैंड का कार्ड होता है ना, कि आप कहीं भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं, उस जैसी ब्लेसिंग कोई नहीं। हस्बैंड का कार्ड इनके पास होता है और हस्बैंड के पास उसकी चीखें होती हैं। नहीं, द बेस्ट थिंग इज जब जब आप घर बैठ के ऑर्डर करते हो, आपका एक ऑर्डर आता है, इट्स ओके, दूसरा ऑर्डर आता है, ओके, तीसरे ऑर्डर में हस्बैंड आता है, क्या मसला है? सर, क्या आपको भी, आपके साथ भी हुआ है ऐसा? नहीं जी, मैं सबको उनके कार्ड्स बना के दिए हुए घर में। क्या बात है, रिच मैन, सबका अपना अपना कार्ड है, विजिटिंग कार्ड दिया थी, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट, वेरी गुड। आज जाने की जिद ना करो, इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों का ये साथ, शायद आपको लग रहा है सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप लोगों की भी आवाज आ रही है,
आप लोगों की मोहब्बत मेरे तक आ रही है, तो यही कहना चाहूंगा जो शफकत भाई ने कहा कि आज जाने की जिद ना करो, अगर दिल चाह भी रहा है तो 2 मिनट के लिए चले जाओ, क्योंकि छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आई लव यू। जी वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन, आई होप आप अपनी ईद एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे ईदी अभी तक नहीं मिली, लेकिन मैं फिर भी खुश हूं भाई, हर हाल में खुश रहना चाहिए, यही जिंदगी का नाम है। शफकत अमानत अली एक लेजेंड हमारे साथ मौजूद है, आपकी मेरी मोहब्बत है, इससे बेहतर मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके लिए इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। डेंटिस्ट हैं, ऊपर से पढ़ाती भी हैं LMDC में, साथ सोशल वर्कर भी हैं। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये ऑर्फनेजेस और ओल्ड होम्स के साथ काम करती हैं, और ये पहली पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया उनके बलूचिस्तान प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हम आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत से रिमोट, यार आंटी ये बच्चे से के रिमोट को पीछे करें, ये रिमोट नहीं, देखिए मैं अपना एक आपके साथ, मेरा आपके साथ चल रहा है, बच्चे रिमोट वगैरह को हाथ लगाएंगे ना चैनल गलती से भी चेंज हो जाए, मोमेंटम नहीं टूट रहा चाहिए, मोहब्बत जब हो रही है ना, मोहब्बत का बिल्डअप हो रहा है, ये नहीं टूटना चाहिए। आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा माइदा इकबाल। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू मोमेंट? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। माइदा जी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? पहले से बेहतर हैं? बिल्कुल मैं भी बेहतर हूं पहले से। कैसी ईद गुजरी आपकी? ईद बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि ये पहले 2-3 दिन थे जब लोगों के दांत नहीं देखे और दांत नहीं निकाले किसी के, तो अच्छा मतलब रोज ही आप किसी का दांत निकालते हैं? रोज ही दांत निकालने पड़ जाते हैं। यार कमाल है, दांत तो मैं भी निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, कैसे? इसमें कौन सा मसला है? देखिए जिंदगी में अगर आप हंस खेल नहीं रहे ना तो क्या है, हमने वैसे उनसे बातें काम की तो कर लेनी है, थोड़ा सा बीच में हंस खेल लेंगे, इसमें क्या गलत है? कोई मजेदार वाक्य बताए, कैसे कैसे पेशेंट्स आते हैं? पेशेंट्स कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बोलना बंद नहीं करते हैं, औजार उनके मुंह में होते हैं और वो बातें करना बंद नहीं करते, कभी हमारे से कभी असिस्टेंट से। How is that possible? Can't believe it. इस तरह करके Don't you guys put that thing? We do, but वो इंस्ट्रूमेंट्स मुंह में होते हैं और वो उस चीज का लिहाज नहीं रखते हैं, वो बातें करना शुरू कर देते हैं। कुछ मुंह के साथ कैसे बात कर सकते हैं आप? Can you talk? हकर हाय हकर हाय बिल्कुल वो मैंने ऐसे ही अगर इंटरव्यू लग रहा पान गाया हुआ है तो डरे भी होते होंगे काफी पेशेंट्स। हाँ जी, कुछ तो इतना डरे होते हैं कि लगता है कि दांत की तकलीफ से शायद चल बसने वाले हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनको लगता है दांत की तकलीफ से चल बसेंगे। हाँ जी, दांत की तकलीफ होती बहुत ज्यादा है मोमेंट, जब होती है तो पता चल जाता है। जब दिल टूटता है तकलीफ तब भी बहुत होती है। वो तो है। मैं नहीं जाना, आप कभी हम कोई सैड सॉन्ग करके बताएंगे। टीचिंग करती रही हैं? हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस, कोई मजेदार? बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़े शरारती बच्चे भी हमारे मुल्क के माशाल्लाह, यूथ मेजॉरिटी पॉपुलेशन। यूथ का अब जो मुझे लगता है लोग आने शुरू हुए हैं ना, मुझे 5 साल हो गए टीच करते हुए, और अब आखिरी 1-2 साल स्पेशली कोविड के बाद जो बच्चे आए हैं। कोविड में कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोविड का एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार था कि वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चे पीछे बैठे हुए हैं और कोई जो है सो रहा है, कोई गाने गा रहे हैं, टीचर पे कमेंट पास कर रहे हैं और पीछे से अम्मियों की आवाजें आ रही हैं, डांटे पड़ रही हैं। तो कोई और मजे का वाकया, कोई ऑनलाइन टीचिंग का? ऑनलाइन टीचिंग का मजेदार वाकया, हाँ मैं एक दफा स्टूडेंट था तो उसको मैंने कहा कि तुम्हारी किताब कहाँ पे है, तो मुझे कहते हैं कि मैम मैं तो बस आपसे बातें करने के लिए ऑनलाइन आया। अच्छा ठीक है। पढ़ना पुढ़ना कोई नहीं, ये तू देख रही है ना, तू पढ़ना पुढ़ना। अच्छा कि मैं आपसे बातें करने आया हूँ। हाँ जी, आपकी बातें सुनने के लिए आया। आपने फिर उसकी अम्मी को फूड करके बताया? मैंने सोचा कि तुम क्लास छोड़ दो अगर तुम ये करने आए हो ना, उसकी मैंने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की फिर। आपने स्ट्रिक्ट भी है आप? काफी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको आई वॉन्ट टू सल्यूट यू, क्योंकि इस मुल्क की बेहतरी एजुकेशन से ही होनी है। तो एक जो टीचर होता है ना, एक उस्ताद, वो एक जनरेशन रेडी कर रहा होता है, एक जनरेशन को तैयार कर रहा होता है, तो तालियां इनके लिए। तो आप मुझे बताएं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन आप चला रही हैं ओल्ड होम, ये जो एक इनेट फीलिंग होती है ऑफ डूइंग समथिंग फॉर अदर्स फॉर द सोसाइटी, ये क्या मोटिवेशन थी कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की? आप ओल्ड होम ऑर्फनेजेस में बड़ा काम कर रही हैं। ओल्ड एज होम में लोग हमारे वो मौजूद हैं जिन जो अपनी फैमिलीज से निगलेक्टेड हैं, और ये एक बहुत ओवरवेलमिंग और एक बहुत तकलीफ दे मरहला हमारी ज़िंदगी का रहा है, ऐसी जगहों पर जाना और जो पेरेंट्स जिनके बच्चे उनको छोड़ गए हुए हैं, और अक्सर पेरेंट्स जिनके बच्चे बहुत अमीर हैं
और वो पेरेंट्स को नहीं संभाल सकते. और बेटियां हैं, बेटियों की शादियां हो जाती हैं, वो कहती हैं हम माँ बाप को कहाँ पे रखें. एंड उन लोगों को ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है. एंड हम वहाँ पर जब भी उनसे मिलने जाते हैं या जब भी उनके लिए कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनकी बात यही होती है कि हमें कुछ चाहिए नहीं है, बस हमसे मिलने आ जाएं. और इतना प्यार हमें मिलता है उनसे. एंड आई थिंक कि हम सब लोगों को अपनी बिजी रूटीन में से वक्त निकाल कर ऐसे लोगों के लिए ज़रूर जाना चाहिए जिनका दुनिया में कोई भी नहीं रह गया. बता बिल्कुल ऐसे ही है. एंड आई'ड लाइक टू ऐड, ऑफ कोर्स शी डिजर्व्स. एंड आई'ड लाइक टू ऐड कि कभी इंसान को पैसा नहीं चाहिए होता, कभी इंसान को आपकी किसी किस्म की मदद नहीं चाहिए होती. ऑल दे नीड इज सम लव, सम कंपनी, सम काइंडनेस. तो अगर आप वक्त निकाल के ऐसे लोगों को जाके वक्त दे सकते हैं जिनको आपके वक्त की ज़रूरत है, तो उनकी दुआ भी आपको लगेगी और इस दुनिया में क्या आखिरत में भी आपके बारे न्यारे हो जाएंगे. हम दो लड़कियों ने ये स्टार्ट किया और हमें ये स्टार्ट करने में काफ़ी मुश्किल भी पेश आई. हम राशन शॉपिंग करने भी अकेले जाते थे, अकबरी मंडी हो या अंदरून, जहाँ भी जाना है हम दोनों अकेले जाते थे. और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इतना बढ़ गए कि यूनिसेफ के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है और पाकिस्तान की फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया है. एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जब लड़कियाँ इस तरह आगे बढ़ती हैं इतने सोसाइटल प्रेशर के बावजूद और एक स्टार्टअप को इस लेवल पर लेकर जाती हैं जहाँ पे इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो देयर इज नथिंग बट अप्रिसिएशन फॉर देम. एक दफा फिर तालियां. मायदा जी ये बताएं, कभी कोई ऐसा पेशेंट आया कि रात को मेरी शादी है और अभी मेरे दांत टूटे हुए हैं? मुझे लगता है शादी के बाद दांत टूटने के ज्यादा चांसेस हैं. अच्छा, ऐसे भी. मुबारक मुबारक जी. वाह 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 वाह, बढ़िया जी बढ़िया. वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने. भाईजान आपकी शादी है और मेरा कुत्ता जीते अभी रे. कहा तो मैं एडा हार पा के फिरी जाना. बहुत अच्छे, खाली सूट बूट या अकल तेन भोरा भी नहीं गी. बाल तेरे सोने ने, फैशन सेंस तेरी का कदी भी नहीं. ऐ जरा घुमा के बखा कोट. एहो जे कपड़े हार्ट पेशेंट ने पाए होंगे भाजी, उन्होंने पता सिर्फ एक बटन खोलांगा तो ECG हो जाएगी. मैनू असल च मेरे पीरां ने दसिया, शफकत भाजी मेरी शादी तो मैं करवाना फंक्शन. तुसी शादी ब्याह के फंक्शन नहीं करते, मैनू पता बड़े आदमी हो, लेकिन मैं थोनू गवाउणा है. मेरी शर्त है क्योंकि मैं पहले जिन्नियां मेरिया 7 शादियां मेरिया फ्लाप हो गई. किन्नियां जी? 7. चीकां थोड़ियां मैनू छुरी वांगू बजियां ने. मेरिया शादियां फ्लाप हो रही तुहानू. शफकत भाजी थोड़ी वजह तो मेरा घर वसना. क्यों? तुहाडे पैरां नू हत्थ है जी, थोड़ी मेहरबानी. तुसी मेरे व्याह ते गाना, मैं जेड़ा सिंगर बुलाया ना मेरे उत्थे नैशी पई भी रे. पहली शादी मेरी इंज करके अरेंज हुई. कोई आया था बड़ा सिंगर? आया था मेरा ताया सौरा, कहंदा अली जफर नू बुलाउणा. अच्छा, मैं क्या गल ही कोई नहीं, एक फोन कीता अली जफर हाजिर. लेकिन उन्हें पहला गाना गाया मेरे ब्याह च अड़े च पै गई भाजी. क्यों? उन्हें गाना शुरू किया छन्नो की आंख में एक नशा है. पुलिस वाले आ गए, कहंदे केड़ी छन्नो भी जड़ी नशे करके ब्याह करन लई. लाड़ा उथे पिया, वोटी उथे पई, वेची रह गई बरात. मैं फिर भी दिल वड्डा कीता मोमन भाई. क्या बात. अगली शादी ते मैं क्या ओ बंदा बुलाउणा जिन्हें मुल्क की तब्दीली दे विच हाथ रखिया. पुछो कौन? कौन? अताउल्ला ईसा खेलवी. मैं क्या जिहड़ा नवा पाकिस्तान बना सकदा मेरा व्याह ते करा ही दऊगा. ठीक है. मैं उन्हें बुला के हले इंज करके स्टेज ते बाया. उन्हें पहला गाना शुरू किया उधर जिंदगी का जनाजा निकलूगा. अद्धी बरात मेरी घर बैठी, अद्धी जनाजगाह पहुंच गई. मैंने कहने बड़ा अफसोस होया भी ब्याह वाले दिन लाड़ा मर गया. देखो वो ब्याह मेरा ताउला दी नजर हो गया. अल्लाह मैनू माफ करे. तीजे ते की होया? तीजा मैं थानू दसना. तीजे ते मैं बुला लिया आरफ लोहार नू. अच्छा. आए हाय हाय, थानू मैं की दसा? ना दसो. तुसी शो कर लो, मैं कल आ जा. दसो दसो. उन्ने आंदिया गाना शुरू कीता, यारा कोलो यार गवाचन लग पए ने. वो मेरा कजन आके कहंदा गाना रुका दे, भाभी दौड़ गई. सामने बैठे मैं हुण ते नहीं ना दौड़ूगी. मैं शुरू करो जी. सोने गाना शुरू भला केड़ा कीता? प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ला. मैनू कहिंदी मैनू तेरे तो चंगी ऑफर होण दई, खुदा हाफिज़. मैं पूछो भला फिर की कीता? वो जेड़ा उहदे गाने च नहीं सी. कुछ
उसके बाद फिर मैं जेन बनाया, मैं क्या भी गल यह है कि हूँ मैं बुलाना सूफी सिंगर। फिर मैं बुलाई जेडे बाजी होनी नहीं अपने बाजी आपदा प्रवीण साहबा, मैं क्या थोड़े ते आना ही रहमत हो गई, तुसी आना है ते मेरा विआह हो जाना। उन्होंने माइक के उत्ते बह के सिर्फ इन्ना ही कहा, ओ मिया भाभी तुहाडी ने वीजा लिया तो लंडन। कहिंदी वड्डे मिया तो चंगा मिया ही कोई नहीं। एंड मैं सोचा कि भाई शफकत है जेड़ा मेरा विआह करा भी दे, शफकत करो साडे ते, थोड़ी मेहरबानी। तुसी ना उस्ताद हामिद अली खान का गाना गाना उत्थे, तुसी वोटी नूं ते मैनूं बहा के कहना, वोटी नूं कहना तैनूं इहदे जिहा सोहणा होर लभणा ना। क्या बात, माशाल्लाह कर लेना ना सत विआह। हाँ जी, हुण गाना बनदा है सिरियां वाले आ बस कर प्यारिया। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ। ਕਪਤਨ ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਜਿਤਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਗੁੱਡ ਵਾਈਬਸ, ਇਹ ਆਪਕਾ ਮੂਡ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दुआएं करें शफकत भाई के लिए घर पे, जहां पे भी हैं दुआएं करें, जिस इंसान ने आपके मूड को अपलिफ्ट कर दिया उनको दुआएं दे। और मैं इनको दुआएं देने के लिए आपको देता हूं केवल 2 मिनट, छोटी सी ब्रेक के बाद हम जल्दी वापस आएंगे। डोंट गो एनीवेयर, आई लव यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ऐसे लग रहा है कि शो अभी स्टार्ट किया, हालांकि काफी टाइम हो गया, बट दिस इज द लव, द वाइब, द एनर्जी। मितवा या आंखों के सागर, आपके दिल के करीब कौन सा गाना ज्यादा है? आंखों के सागर की डिफरेंट स्टैंडिंग है, मितवा की डिफरेंट है। मितवा वाज ऑन द बिगर स्क्रीन, बट आंखों के सागर वाज द रीजन दैट आई वेंट एंड सैंग दैट सॉन्ग। वेरी नाइस। 2020 में न्यूयॉर्क प्रेस एजेंसी ने एशिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में आपका नाम शामिल किया, उसके बाद से थोड़े कॉन्शियस तो नहीं हो गए कि यार उनसे मैं जरा और जरा तरीके नाल है क्या, मतलब व्हाट काइंड ऑफ एन इफेक्ट डज दैट हैव और इंपैक्ट? आई डिडंट इवन नो दैट आई विल बी देयर इन द लिस्ट, बट आई थिंक आई गो विद द फ्लो। कॉन्शियस नहीं, आई नेवर गेट दैट। यू आर अ फ्री सोल। यप। कोई ये अवार्ड मिले ना मिले, नाम आए नहीं आए, आप अपना काम में लगे, यू लव द जर्नी। एब्सोल्युटली। मैं समझ गया। रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगा आपके साथ। ट्रैवलिंग या आराम पसंद? ट्रैवलिंग। राहत फतेह अली खान या साहिर अली बग्गा? राहत फतेह अली खान एनी डे। पाकिस्तानी ड्रामा या बॉलीवुड की मूवी? पाकिस्तानी ड्रामा। निहारी या पाए? दोनों। कराची का समंदर या नहर और नहर? व्हेन इन कराची डू एज द कराची इट्स टू, व्हेन इन लाहौर डू एज द लाहौर इज टू। वेरी नाइस। खुशबू वाला पान या खीर? खुशबू वाला पान। ड्रम या ढोलक? बोथ टुगेदर। ठीक। आपको गिफ्ट हैम्बर तो मेरे पास नहीं है, ढेर सारी दुआएं इतने अच्छा रैपिड फायर राउंड करने पे, तालियां जी। तो अपनी ईद को और बेहतर करने के लिए मैं एक और गेस्ट को बुलाना चाहूंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं हमारे मुल्क की जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रही हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही हैं, लीडरशिप पोजीशंस में आ रही हैं। तो जो अगली गेस्ट हैं उन्होंने अपना LLB लम से किया, फिर MPhil किया, अब वो शी इज मैनेजिंग 2 restaurants विद हर सिस्टर। नाम भी उनके आपको बताते हैं, एक गो सुशी है, एक आई थिंक एक कॉफी प्लेस है। इनका अपना एक नॉन प्रॉफिट है जहाँ पे ये बहुत सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन भी मिलती है, और उसी के साथ साथ लॉयर भी हैं। तुहानू पता है फिर लॉयर होने के वखरे फायदे ने, बट आई एब्सोल्युटली अडोर दोज वुमेन हु आर इन लीडरशिप इन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों के प्यार में बुलाना चाहूंगा नूर फातिमा। ईद कैसी गुजर रही है? ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है। अब जो फर्स्ट डे था वो मैंने बहुत अच्छे से अपनी मदर के घर गुजारा, पे मेरी बहू ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, तो आज रात को सारे इन लॉज ने आना है, तो अब उनका खाना शाना ये सब करके अब मैं आराम से आ गई हूँ आपके पास। क्या बात है, खाना ठीक से हो गया? हाँ जी बिल्कुल। खाने में क्या था?
बहुत ज्यादा कुछ था। हम कश्मीरी है मेरे फादर इन लॉ की साइड, तो उधर तो पुलाव और मटन कोरमा और मटन जॉइंट सब देसी घी का तड़का भी। हाँ हाँ बहुत कुछ था। क्या बात है, मुझे बताएं लॉयर है। हाँ, लॉयर होने का कितना फायदा उठाती है? मैं बहुत ही ज्यादा फायदा उठाती हूँ, मेरे हस्बैंड को पता है, वो बिल्कुल मुझसे कोई पंगा शंगा नहीं लेते क्योंकि उनको पता है क्योंकि मैं लॉयर हूँ, उनको पता है हर चीज के मेरे पास ना दलाइल मौजूद होते हैं। आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं मतलब हो सकती? जी जी बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बताएं, मैं भी कह रहा था कि वुमेन इन लीडरशिप, वुमेन इन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे मुल्क की जो बच्चियां हैं वो आगे आए और यू नो दे हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकॉनमी। आप इतना कुछ कर रही हैं, मैं आपकी एनजीओ पर तो आता हूँ लेकिन उससे पहले मुझे ये भी पता है, एक कॉफी शॉप की एग्जीक्यूशन में भी आप अपनी बहन के साथ कॉफी शॉप भी चला रही हैं, एक और रेस्टोरेंट भी है जिसमें सुशी लोग खाते हैं उसमें भी आप इन्वॉल्व हैं, फिर आप लॉयर भी हैं, फिर आपका कोई सीमेंट फैक्ट्री के साथ भी जी, मेरी मदर का जी जी मेरी मदर डायरेक्टर है सीमेंट फैक्ट्री की। क्या रेट चल रहा है सीमेंट? बहुत ज्यादा, बहुत महंगा भी रेट चल रहा है। बाकी बच्चों को किस तरह मोटिवेट कर सकती है, हाउ आर यू मैनेजिंग सो मच? अच्छा बेसिकली मैं ये बिलीव करती हूँ कि बिहाइंड जस्ट लाइक हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना, मुझे लगता है हर लड़की के पीछे भी, उसको इंडिपेंडेंट करने के पीछे उसके घर के लड़कों का हाथ होना चाहिए। ठीक है, दे हैव टू बी सपोर्टिव एंड दे हैव टू रियलाइज कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा जब तक के 50% हमारी पॉपुलेशन को अगर घर के कामों में और घर में हमने बंद करके रखना है तो कैसे 50% पॉपुलेशन के साथ कौन सा मुल्क आगे जा सकता है। आप पैशन देखें, वो एंथुजियाज्म देखें, ये इस तरह का पैशन मुल्क की हर लड़की में इंशाल्लाह आ गया तो हमें कोई पकड़ नहीं सकता पाकिस्तान को। बिल्कुल इंशाल्लाह। रेस्टोरेंट भी चला रही है, कॉफी शॉप भी चला रही है, बस मोमेंट जहाँ जहाँ से, ईदी मेरी आपने आज खराब की है तो जहाँ जहाँ से मैं कुछ पैसे बना सकूँ वो मैं पूरे करूंगी ना। क्या बात है, देखिए शी इज फोकस्ड, शी इज फोकस्ड। आप मतलब हमारे मुल्क में अब इस तरह की लड़कियां जो फोर फ्रंट पे आ रही है, इस पे आपका क्या कहना शफकत भाई? इट्स वेरी प्रॉमिसिंग जी, आई थिंक इट शुड हैव हैपेंड इयर्स अगो बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ऑफ एनी गुड थिंग। So best of luck. Thank you. And thank all you powers so to you. आपने आंटी का जिक्र किया जी जी, योर मदर इज वो तो एक पावर हाउस है, आप उनसे मिले ना तो आप, शी इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ अ सीमेंट फैक्ट्री जिसके पूरे बोर्ड पे ना सिर्फ आदमी और एक मेरी मदर है, तो आप उनसे तो मिले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अगर ठेकेदारी का काम करूं तो सीमेंट मिल जाएगा? अब डिपेंड करते हैं कि अब आप कैसी ठेकेदारी करना चाहते हैं। नहीं मैं सच्ची करूंगा। अच्छा फिर ठीक है, तो आगे का क्या प्लान है? आपने रेस्टोरेंट भी चला लिया, सीमेंट फैक्ट्री में भी इन्वॉल्वमेंट है आपकी, लॉयर भी आप हैं, आगे उनकी करना है? आगे का अब ये प्लान है कि मेरा जो स्कूल है इट्स अ नॉन प्रॉफिट स्कूल, उधर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैंने वो स्टार्ट किया था 7 बच्चों के साथ, अब वो 150 हो गए हैं। और मेरा बिलीफ ये है कि जितने भी मसले हैं ना पाकिस्तान के, चले मैं दुनिया तो छोड़ दूँ, पाकिस्तान के मसले हमने हल करने, एजुकेशन इज द की टू दैट। हमने उन बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर अगर देना है तो हमने उनको वो स्किल्स, वो एम्पावरमेंट देनी है कि वो अपना फ्यूचर बेहतर कर सकें। आई ऑनेस्टली लव पीपल हु आर पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग, वरना आजकल टाइम की कर रहे हैं पता नहीं यार, बस कर ही रहे हैं, जिंदा है यू नो। तो ये जो लोग इतने पैशनेट होते हैं, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इन नई चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दे डिजर्व अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। और मैं कहता हूँ ये आपने कह ही दिया कि यार अब हमारा टाइम है कि लड़कियां सारी लीडरशिप पोजीशंस में आए इंशाल्लाह। और आप हैं पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी शुरू करने का इरादा? अब आपके शो के बाद अगर मुझे कोई टिकट ऑफर हो जाए तो ऑफ कोर्स मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, किसी मूवी रिलीज की टिकट ही दे सकता हूं। बोलते मेरी कोई पार्टी नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। पीछे फिर शोर आ रहा है यार। भाईजान ये मेरा सेट है, आज डोर लाइए यार। यार भाईजान मेरी बात बड़ी सीरियस बात, छोड़ दे, छोड़ दे मिनु, ना कर मिनु, सीमेंट चाहिए था मैं लेके जाना। मैंने ऐसे नहीं जाना, है कोई सखी की जो बाबे को ईद वाले दिन सुशी ट्राई करवाए। I like सुशी, दागड़ दागड़ दिन तक था। Yes, रोज लड़ाई। मैं तो तेरी परजाई। रोज लड़ाई। मैं
अक के ओदे अगे हाथ बन्ने ने। मैंने कहा मैं क्या करमा लिए, मैं हुण तेनू मौका नहीं देना। क्यों नहीं देना? अगो मैनू की कहंदी है? मैनू कहंदी लै हुण मैं तेरे मौके ते इंतजार च रवां। यकीन कर मान ना, नहीं करना। ब्याह ना कराई, नहीं तो इंज तो हो जाएगा। तेनू मोमन जोगी कहणगे, मोमन जोगी, मोमन जोगी सप्पों वाला। माशाल्लाह किसी नील दी डब्बी च डिगे हो। जोगी साधु संत फकीर हां बाबे पहुंचे बाबे हैं। पहले तो मैं जरा शफकत भाई को सलाम कर लूं एक दफा, फिर सरकार जरा जफ्फी हो जानी चाहिए। आए हाय जफ्फी ते करी रहना, पूछ के आऊं क्यों? ओए इस सीने नाल शाहरुख भी लगा। क्या कहना चाहोगे शब्द भाई? क्या बात है, क्या कहूँ मैं इनसे, ये तो मेरी तो खुशकिस्मती है नाल तेरी भी। आ, नहीं तो गल इत किसी जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए हालात। मेरी जान बात बहुत दूर तक जा चुकी है, माशाल्लाह क्या कहने सरकार है मोहतरम। मैं यकीन करें दिल से फैन हूँ आपका। वाह वाह, ईद वाले दिन भी पार्टियां पेंटा पाकिस्तान इतने अमीर आदमियों के भी धागे निकल रहे हैं। है कि नहीं? ते तुसा मंगे ने कपड़े? ये वेरी वेरी नाइस यार, वैसे ईमान से पाकिस्तानी टॉम क्रूज लग रहे हैं, इनके लिए ताली होनी चाहिए। जोगी साधु संत फकीर हाँ बाबे पहुंचे बाबे हैं सोने हैं, बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हाल निकाले हैं। जोगी साधु संत फकीर अगर इस छड़ी के तुझे डॉलर बना के दिखा दे तो मानो जोगी या तेरा ही कमाल है। बनाए आए पाकिस्तानी है ना, फौरन बनाए। जरूरत ही है नहीं है बेचारे। महंगाई बड़ी हुई। देख फिर जरा, देखती हैं आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर इस छड़ी के डॉलर बनाने जा रहा है। पुत्र हे चटपन चौटपन चटपन तुम तड़ाक खींचड़ा का दाकड़े 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 दिन ता डॉलर बने नहीं? नहीं बने। इंज बन देते सागडार साहब कामयाब ना हो गए। हूं तक तेन कलो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सन गिनिया जानिया, किनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी। होर जादू करके वहाओ। होर जादू की करके वहावा, ये थोड़ा जादू वाल उचे हो गए। यकीन करो ओदे वाल ते डॉलर तो भी उत्ते जा रहे। देख फिर जरा, देखती हैं आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शाप निकालने जा रहा है। पुत्र ओए वाह 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 वाह, सियाने कहंदे नहीं कि सप्पां दे पुत कदी मेत नहीं हुंदे, भावें चुलियां दुद्ध पियाईए ते सानू किसे ने की कहना, भावें सड़क ते बह के नाईए। क्या बात है कि नहीं? देख फिर जरा, देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शाप निकालने जा रहा है। पुत्र ओए चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छुंचड़ा का दागड़ 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 दिन तखरियां बोतल खरियां बोतल सुचियां बोतल आ कुछ सुनी भूत पाद बिन तुरबत सुना रल मिलकर सब रहने गण बिछलने पुना तुरक तुरक दिन झंडे चाहे तुरक तुरक झंडे शादा तिरकट दादा तिरकट दादा तिरकट दागड़ दिन ता आ सब निकले सब निकले नहीं ऐला फिर लॉलीपॉप ला। किस चीज की लॉलीपॉप है? खा खा पुत्र लै लै, ये इलेक्शन का लॉलीपॉप है, सारे नु मिल रहा तू ही रख। गो 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 है गो। बकाया जख्म मुझे इजाफी दिए गए, बकाया जख्म मुझको इजाफी दिए गए, मेरे लिए तो तेरा इंतजार काफी था। वाह, ढेर सारी तालियां हमारे भाई चांद भाई के लिए। क्या ह्यूमर है, क्या एनर्जी है, लोगों को हंसा रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं। एक दफा फिर लव यू, तालियां बजाएं। गाना सुनना चाहेंगी? ऑफ कोर्स, मैं आई इसलिए हूं एक्चुअली। मुझसे झूठ बोला था कि मैं तो आपके शो के लिए आ रही हूं। मैं आई गाना सुनने हूं। अपने धोखा देते गैरों से क्या शिकवा। सर प्लीज, इनके गाने में एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि इस ईद के समय में हमारे साथ रहो, कहीं दूर मत जाना क्योंकि ये समय खत्म नहीं होने वाला। नेक्स्ट थर्सडे को हम फिर मिलेंगे रात को 11 बजे आप और मैं। लेकिन शफकत भाई ने जो कर दिया ना, मैं लफ्जों में बयान नहीं करोगे, तुम भी करोगे, मैं भी एक दिन आएगा, तुम करोगे, एक दिन हमारा भी आएगा। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने हमें देखा। आप लोग होते हैं तो हमारे शो हिट होते हैं, आप लोग होते हैं तो हम सब
मेरे अलावा स्टार्स बनते हैं। शफकत भाई, आप लोगों की मोहब्बत से शफकत भाई के गाने हिट हुए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू शफकत भाई फॉर ब्लेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। यू आर अ लेजेंड। एंड ऑनेस्टली जब मुझे पता चला कि शो में शफकत भाई होंगे तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड, क्योंकि मैं बचपन से इनका इतना बड़ा फैन हूँ। तेरी झुकी नजर, मितवा, बिन तेरे, इनके गाने सुन सुन के ही प्यार मुझे नहीं भी था, फिर भी मैं ऐसे ही रस्ता आशिक बांध के तो फील देता था। बट आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी गर्ल्स इन पाकिस्तान, सो मेनी गर्ल्स हु हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड स्किल बट मे बी दे डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस। लेकिन आप जैसे लोगों को जब लड़कियां देखती हैं वो इंस्पायर होती हैं और अपने लिए भी कुछ करती हैं, अपने घर वालों के लिए भी, एंड अल्टीमेटली दैट हेल्प्स द कंट्री। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस शो।